नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर्स 20K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशी में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसकी मदद से दोस्तों जो भी आपके मन में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ट्रेडिंग को लेके, कि भाई बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, किसको यूज़ करें, कौन सा सेटअप लगाएं, उसके अलावा स्टॉक्स कैसे पिक करें जिनको हमें बाय करना है सेल करना है, देन स्टॉक की डायरेक्शन नहीं पता कर पाते लोग, भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कैसे पता लगाएं। और कई बार क्या होता है, जो लोग इसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं वो सही एंट्री और एग्जिट नहीं पता कर पाते। आपने पता लगा लिया ये स्टॉक आज यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर जाएगा, बट आपने एंट्री गलत ली, वो पहले नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हंट कर देता है एंड देन ऊपर भाग जाता है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो कॉमनली रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर करता है मार्केट में। तो इस थियोरी के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपके ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से खुद एनालिसिस करके ट्रेडिंग के डिसीजंस अपने खुद ले पाएंगे। आप खुद पता लगा पाएंगे कि निफ्टी आने वाले समय में क्या करेगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा। हम इन सब को लाइव एग्जांपल्स लेके भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आप खुद देख पाएंगे कि किस तरह आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। अगर आप दोस्तों मेरे को फॉलो कर रहे हैं कुछ समय से, तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोज में इंडिकेटर को बहुत कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं शायद ही कभी कोई इंडिकेटर दिखाता हूँ। और बहुत सारे पेड ट्रेनर्स वगैरह इंडिकेटर्स को आपको बहुत अच्छी फीस लेके सिखाते हैं, बट दोस्तों ये चीज़ आपको काफ़ी समय बाद जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाती है मार्केट में, कि इंडिकेटर को प्राइस चलाता है, प्राइस को इंडिकेटर नहीं चलाता, यानी भाव भगवान है। आपको प्राइस देख के, चार्ट देख के ही पता पड़ जाना चाहिए बिना कोई इंडिकेटर के कि अब क्या होगा। प्राइस ऊपर जाता है तो इंडिकेटर ऊपर जाता है, ना कि इंडिकेटर के ऊपर जाने के बाद प्राइस जाता है। तो मैं पर्सनली बहुत ही कभी कभार किसी इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, और इंडिकेटर की जरूरत आपको पड़नी ही नहीं चाहिए, रॉ एनालिसिस पे आपका फोकस होना चाहिए, आपको चार्ट देख के प्राइस एक्शन देख के समझ में आना चाहिए। तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो मेरा वेबिनार होता है जिसमें मैं सिखाता हूँ लोगों को, उसमें भी मेरा फोकस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, कि इसी चीज़ पे रहता है कि कैसे आप एक रो एनालिसिस करना सीख जाए, आपको चार्ट देख के पता पड़ जाए ये शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या करेगा। तो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, मार्केट की थोड़ी साइकोलॉजी को भी समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक लर्निंग वाला सेशन रहेगा, वीडियो रहेगी आपके लिए, इसको पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम लोग डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं और इस तरह की लर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ को लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये जो थियोरी है, ये इसके इन्वेंटर थे चार्ल्स डाउ, जिनके नाम पे यूएसए का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स जो है वो भी पड़ा है। तो इन्होंने जो दोस्तों मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस है उसको एक नई शेप दी, जो भी बातें हम लोग यूज़ करते हैं, हम जैपनीज कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, जैपनीज टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को यूज़ करते हैं, बट इन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारे इनपुट्स दिए। तो इन्हीं की जो कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को हम यूज़ करके आज प्राइस एक्शन और अलग अलग इंडिकेटर्स और हर एक चीज़ का बेस ये है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं की कुछ बातों से रिलेटेड, डाउ थ्योरी से रिलेटेड आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा विथ लाइव एग्जांपल्स की। आज हमारी भारतीय मार्केट जो ऑलमोस्ट 11,162 पे खड़ा है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी है, हम उन सबको देखेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ और आप खुद जज कर पाएंगे इस वीडियो के बाद कि अब ये स्टॉक्स या ये इंडेक्स आने वाले समय में क्या करेंगे। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, समझते हैं एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को जो इन्होंने कहा था इस थ्योरी में आता है, और थोड़ा बहुत और इसमें जो एडिशन मैं आपको बताऊंगा, और उसके बेसिस पे वीडियो के एंड तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप अगली बार से खुद अपने एंट्री एग्जिट डिसाइड कर पाएंगे, आप खुद जज कर पाएंगे कि मार्केट क्या करेगी, शेयर क्या करेगा, बिना कोई इंडिकेटर के, बिना किसी भी चीज़ के ज़रूरत के। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे दोस्तों। दोस्तों, मेरी एक सीरीज है प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस एक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रखे हैं। वो कॉन्सेप्ट्स आपको अगर नहीं मालूम, आप सीखना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। मैं आपको बेसिक बताने से पहले कुछ सिंपल बातें बताऊंगा शेयर मार्केट के बारे में, उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जिसमें आजकल सबका इंटरेस्ट है, और देखते हैं इन तीनों में हम किस तरह इस थियरी की मदद से आने वाले टाइम का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट की बात करोगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई भी स्टॉक होगा वो सीधी लाइन में नहीं ट्रेवल करेगा, वो हमेशा ट्रेवल करते हैं जिगजैग। तो दोस्तों, डाओ ने यही कहा था सबसे पहली बात, कि भाई कोई भी स्टॉक होगा, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, वो हमेशा हर उसके अंदर ट्रेंड के अंदर भी उसके छोटे ट्रेंड होंगे, यानी कोई चीज़ वन डे पे हो सकता है अप ट्रेंड में हो, बट वन आवर पे हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो, या फिर वन आवर पे हो सकता है अप ट्रेंड में हो और हो सकता है कि
15 मिनट के चार्ट पे डाउन ट्रेंड में हो। सिमिलरली हो सकता है कोई स्टॉक वीकली बेसिस पे लंबी अवधि में अप ट्रेंड में हो, बट वो हो सकता है डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में हो। दोस्तों इसको अगर हम समझें एक एग्जांपल के साथ, तो हो सकता है कोई स्टॉक इस तरह के एक चैनल में काम कर रहा हो, ये 2010 मान लीजिए, ये 2015 मान लीजिए, या 2020 मान लीजिए। दोस्तों जो स्टॉक बहुत लंबी अवधि में अप ट्रेंडिंग चैनल के अंदर है, उसका रेट लंबे समय में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लेते हैं 2010 में दोस्तों ये स्टॉक था यहाँ पे कहीं पे, तो इसने अपने चैनल के ऊपर वाले पॉइंट तक गया, ऊपर से रेजिस्टेंस खाया, देन ये नीचे आया, देन ये ऊपर गया, देन ये नीचे आया, देन ये ऊपर गया, आज दोस्तों ये नीचे आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस ये बताती है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, नो डाउट, बट बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको यहाँ पे ना इन्वेस्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि लंबी अवधि में ये आपको यहाँ तक का इस चैनल के लोएस्ट पॉइंट का भाव दिखाएगा। ऑल्दो इस रेट से ये ऊपर जरूर जाएगा क्योंकि इसके चैनल का अपर मोस्ट पॉइंट ये है और ये अप ट्रेंड के अंदर है, बट बेटर है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो हमने देखा कि किस तरह एक स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे आप कह लीजिए कि अप ट्रेंड के अंदर हो सकता है कॉन्टिन्यूसली, बट डेली में इसमें डाउन ट्रेंड्स आ सकते हैं। इसी तरह कोई स्टॉक हो सकता है दिन के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में हो, लेकिन कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए वो डाउन ट्रेंड में हो, यानी हमेशा हर एक स्टॉक में स्विंग्स लगते हैं। दूसरी बात जो दोस्तों इस थियोरी में आती है, इन्होंने कही, और एक बेसिक है स्टॉक मार्केट का, कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड या अप स्विंग और डाउन स्विंग, इन दोनों के बीच में हमेशा एक ट्रांजिशन फेज आता है। हमेशा हर एक स्टॉक मार्केट एक ट्रांजिशन फेज के अंदर आएगी, एक वी शेप वाला काम मार्केट में नहीं होता, वी शेप नहीं होता, हमेशा ट्रांजिशन होती है। यानी अगर किसी स्टॉक को अपना ट्रेंड बदलना है, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड रिज्यूम करना है, तो वो वहाँ पे थोड़े समय के लिए साइडवेज होगा। ये साइडवेज मोमेंट दोस्तों 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कई महीने, कई सालों की हो सकती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा एग्जांपल के साथ। बट ये मोमेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस साइडवेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन माने बड़े प्लेयर्स उसको रेंज बाउंड रख के माल को बेच रहे हैं, तो दोस्तों स्टॉक इस जब भी इस रेंज से बाहर आएगा, एक नया ट्रेंड रिज्यूम करेगा जो कि डाउन ट्रेंड होगा, और स्टॉक लंबी अवधि के लिए डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक अप ट्रेंड की शुरुआत दोबारा से होनी है, तो इस साइडवेज रेंज के अंदर बड़े प्लेयर्स माल को एक्यूमुलेट करेंगे, खरीदेंगे, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। दोस्तों जितने भी हम चार्ट पैटर्न्स वगैरह सीखते हैं कि एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, सब कुछ यहीं से आता है, बेसिक्स से ही सब कुछ आता है। अब आपको मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिखाई देगा अगर इसका ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए, ये एक डंडी है, ये एक फ्लैग है, और ये हो गया ब्रेकआउट। तो अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती तो ये बन जाता एक डबल टॉप पैटर्न, शायद से यहाँ पे ऊपर नीचे डबल टॉप एंड देन ये नीचे एम पैटर्न। तो दोस्तों पैटर्न्स पे, नाम पे आपको नहीं जाना, आपको हमेशा बेसिक्स पे जाना है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और वो पता लगाने का जो फंडामेंटल तरीके हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इनमें से काफ़ी सारी बातें मैं अपने पेड वेबिनार्स में भी सिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे डिटेल में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और साइडवेज स्टेज होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर दिखाऊं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज स्टेज, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे किसी स्टॉक का एग्जांपल खोलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे खोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल। दोस्तों हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि दोस्तों किस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक था वो हर बार अप ट्रेंड रिज्यूम करने से पहले साइडवेज हुआ। देखिए ये रिलायंस का स्टॉक साइडवेज हुआ, देन इसने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, देन दोबारा ये साइडवेज हुआ, एंड देन इसने जब इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक साइडवेज रहा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रही होगी, उसके बाद ये नीचे आया, फिर अगेन दोस्तों यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई होगी तो उस कारण से ऊपर गया। तो ये चीज़ चलती रहती है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और वो फॉलो होते हैं हमेशा एक साइडवेज स्टेज के साथ। तो दोस्तों इसीलिए मार्केट में हम कहते हैं कि राउंडिंग टॉप्स, आपने सुना होगा एक्सपर्ट्स को बोलते हुए राउंडिंग बॉटम्स, क्योंकि मार्केट में वी शेप वाला काम बहुत कम होता है, हमेशा मार्केट में राउंडिंग पैटर्न्स बनते हैं। टॉप पे जाके हमेशा राउंडिंग टॉप बनेगा, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके अंदर उसको रेंज बाउंड रख के माल को बेचेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों एक दफ़ा एयरटेल का चार्ट, उसमें भी आपको मैं एक पैटर्न बनता हुआ दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग अपनी थ्योरी के ऊपर चलते हैं, डाओ थ्योरी के हिसाब से हम लोग समझते हैं किस तरह से आप जजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरटेल का जो स्टॉक है, ये मैंने डेली चार्ट खोल रखा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर था,
ये एयरटेल का एक अप ट्रेंड है, लेकिन अभी ये एक साइडवेज पैटर्न के अंदर है। अगर ये ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो ये फ्लैग पैटर्न माना जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन देगा दोस्तों तो ये हम कह देंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना। तो कैसे पता लगाया जाए यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे जज किया जाए और किस तरह से ट्रेड किया जाए, इसके बेसिस पे कैसे आप पता लगा सकते हैं पैटर्न्स, तो दोस्तों हम उस पर भी चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलते हैं सीधा अपने अब निफ्टी के चार्ट पे और डाउ थ्योरी को और डिटेल में समझते हैं। इस चीज़ के बारे में ये जो साइडवेज एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे जो प्राइस सेक्शन के दूसरे वीडियो से आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है। अभी आप देखेंगे कि निफ्टी किस तरह से एक अप ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के बाद निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखाई देगी वो ये देगी कि देखिए निफ्टी के आप सभी हाईस को देखिए, निफ्टी ने एक हाई लगाया इस जोन में, अगला हाई लगाया दोस्तों इस जोन में, उसका अगला हाई लगाया इधर, अगला हाई लगाया यहाँ पे, एंड देन फाइनली हाई लगा यहाँ पे। ये सब हाई एक दूसरे से हायर है, हायर हाईस। और आप अगर लो की बात करेंगे दोस्तों तो लो भी सभी जो है एक दूसरे से हायर है, जितने भी लो लगे एक दूसरे से ऊपर लगे। तो ये डाउ कहते हैं कि जब तक हायर हाई और हायर लो लगते रहे वो एक अप ट्रेंड की निशानी है। अब दोस्तों अप ट्रेंड को अगर ख़त्म होना है, अगर निफ्टी को नीचे आना है, तो इसके हिसाब से निफ्टी को एक लोअर हाई लगाना पड़ेगा या फिर निफ्टी को साइडवेज होना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि निफ्टी किस तरह यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए साइडवेज हो गया। अब दोस्तों निफ्टी जो है साइडवेज होकर नीचे आया, नीचे आके निफ्टी ने जो लो लगाया आप देखोगे किस तरह से एक हायर लो है, हाई लो है। अगर निफ्टी नीचे आता, इस लो के नीचे चला जाता, तो दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी ने अपना डाउन ट्रेंड वापस एक स्टार्ट कर दिया है, निफ्टी सीधी लाइन में नीचे नहीं आएगा। हमने ये भी डिस्कस किया कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक सीधी लाइन में नहीं ट्रेवल करता, तो निफ्टी क्या करता है यहाँ से जब लोअर लो लगाता तो रिबाउंड करता ऊपर जाता, और क्योंकि अब इसने लोअर लो लगा दिया तो अब जो हाई लगाता वो भी एक लोअर हाई लगता, एंड देन वहाँ से निफ्टी का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता। लेकिन दोस्तों अगर हमें अभी जज करना हो कि अब निफ्टी आने वाले समय में क्या करेगा इस थ्योरी के हिसाब से, डाउ थ्योरी के हिसाब से, तो आप देखोगे कि किस तरह से निफ्टी अभी जिस लेवल पे है, अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है तो आप देख पाओगे कि किस तरह ये जो टॉप लगेगा ये इस टॉप से लोअर लगेगा। तो यही है डाउ थ्योरी दोस्तों, निफ्टी का एक टॉप लग चुका है यहाँ पे इस लेवल पे। अब निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा हम ये नहीं मान सकते कि निफ्टी ने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया, निफ्टी नीचे आया। अगर निफ्टी यहाँ से भी घूमता है तो इसको हम डबल टॉप मानेंगे। तो ये लेवल अब एक आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, आपको यहाँ पे इसके आसपास निफ्टी मिल जाए तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों निफ्टी इस लेवल से या इसके नीचे से जहाँ पे अभी है वहाँ से कहीं से घूमता है तो रेस्ट अश्योर्ड आप ये खुद कंक्लूड कर सकते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि निफ्टी ने अब एक लोअर टॉप लगा दिया है, लोअर टॉप लगा दिया है, तो जो लो लगेगा वो भी लोअर लगेगा, यानी इस लो से अब ये जो पिछला लो लगा था ये वाला स्विंग जो है नीचे तक जाएगा। तो आप इस तरह से खुद पता लगा सकते हैं कि अब ये लोअर स्विंग हो जाएगा। फिर दोस्तों निफ्टी सीधी लाइन में तो नीचे जाता नहीं रहेगा, निफ्टी जब भी नीचे जहाँ पे भी लो लगाएगा वहाँ से एक रिबाउंड देगा। तो रिबाउंड की दोस्तों यही पहचान होगी कि रिबाउंड जो है इस लेवल से तो नीचे ही लगेगा, अब लोअर हाई लगेगा क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आपको रिबाउंड पे सेल करना है और आपका जो एग्जिट होगा, आपका जो टारगेट होगा, हमेशा आप क्या करते हैं छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। निफ्टी नीचे आएगा तो हमेशा जिग जैग करेगा, एक घंटे पे ऊपर नीचे करेगा, बट इस लो को इस दफा निफ्टी जरूर तोड़ेगा क्योंकि निफ्टी डाउन ट्रेंड में, तो आपको एक बेटर एग्जिट का पॉइंट मिलेगा। ये हम डेली चार्ट पे देख रहे थे, हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, फिर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं किस तरह से आप पता लगा सकते हैं इसको, पोजिशनल ट्रेड, एक दो दिन के ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह निफ्टी जो है एक हायर हाई लगा रहा था और जो लो लग रहे थे वो भी हायर लग रहे थे। अब दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों देखेंगे आपकी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे एक सिमिलर लो लगाया और ये लगाया एक हाई, और ये जो हाई लगा दोस्तों ये भी एक सिमिलर हाई लगा। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी से अलग एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, हम ये कह सकते हैं, ना कि एक अप ट्रेंड के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो ये जो स्विंग था, इस स्विंग के बाद जो लो लगाया, इस लो से हाई लगा दिया, बैंक निफ्टी यहाँ पे अटका, साइडवेज हुआ, जो हमने डिस्कस किया कि भाई साइडवेज होना पड़ता है। उसके बाद जब बैंक निफ्टी यहाँ पे अटक गया तो आपको दोस्तों यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेना बनता था, और क्योंकि ये लो हायर लगा है तो आपको ये डाउ थ्योरी ही बता देती है कि अब जो टॉप लगेगा इससे ऊपर लगेगा, यानी बैंक निफ्टी इससे हायर टॉप लगाएगा। ठीक वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी ने एक स्लाइटली ही सही हायर टॉप लगाया दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का लग गया हायर टॉप। अब बैंक निफ्टी जब दोस्तों दोबारा करेक्ट किया तो इस लो से हायर लो लगाने में कामयाब रहा, बैंक निफ्टी ने एक हायर लो और लगाया दोस्तों। अब जब यहाँ से बैंक निफ्टी साइडवेज हुआ 5 से 6 दिन, उसके बाद घूमेगा, तो रेस्ट अश्योर्ड आप ये डाउट थ्योरी से कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब एक हायर टॉप फिर से लगाएगा। तो
सेम वही हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी ने एक और हायर टॉप लगाया। फिर दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे आया तो स्लाइटली सही, बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया इस बार फिर से एक हायर लो लगाया। तो वहीं से आप दोबारा कंक्लूड कर सकते थे 3-4 दिन की साइडवेज मूवमेंट के बाद कि बैंक निफ्टी आपको कि ऊपर जाने लग गया है तो एक दफा फिर से हायर टॉप लगाएगा। तो आपको दिखाई दिया कि किस तरह बैंक निफ्टी ने इस हाई को तोड़ दिया। अब देखते हैं दोस्तों अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने इस बार क्या किया। ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का स्विंग। बैंक निफ्टी को इस लो से हायर लो लगाना चाहिए था बट उसने वैसा नहीं किया, बैंक निफ्टी नीचे आ गया। बैंक निफ्टी ने लगा दिया है एक लोअर लो, ये पहला लोअर लो है दोस्तों। तो दोस्तों अब रेस्ट एश्योर्ड बैंक निफ्टी अप्स एंड डाउन्स तो करेगा, बैंक निफ्टी एक अप स्विंग के अंदर है क्योंकि सीधी लाइन में तो नीचे गिरेगा नहीं, नीचे गिरना है तो हमेशा चढ़ चढ़ के गिरेगा। लेकिन रेस्ट एश्योर क्योंकि अब ये लग गया है एक लोअर लो तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो अप मूव देगा इसमें एक हायर हाई नहीं लगेगा, यानी इस लेवल से नीचे का ही कहीं पे हाई लगेगा। तो आपको बैंक निफ्टी को यहाँ से मैंने कंक्लूड करके बताया कि आपको एक सेल ऑन राइज करना है। और क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी अगर सेल ऑन राइज है, बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा तो ये निफ्टी को साथ में ड्रैग करेगा। तो सेम कंक्लूजन निफ्टी में भी आपका पहुंच जाता है यहाँ से कि आपको निफ्टी को भी सेल ऑन राइज करना है। तो दोस्तों जब तक बैंक निफ्टी इस हाई को ना तोड़ दे, इस हाई को ना तोड़ दे, एक हायर हाई ना लगा ले, क्योंकि बैंक निफ्टी एक लोअर लो लगा चुका है ऑलरेडी, आपको कॉशियस रहना है। बैंक निफ्टी कहाँ से घूमेगा ये नहीं बता सकते आप इस थ्योरी की मदद से, उसके लिए आपको और चीज़ों को देखना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। बट आप पता लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी अब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर गया। तो दोस्तों दूसरी गलती क्या होती है कि इतना गिर गया बैंक निफ्टी, यहाँ तक आ गया, यहाँ पर मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसको भी हम समझते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बाइंग के लिए बोला उसके पीछे क्या कारण था। और जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं कि आपकी सोच सही थी कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है बट आपकी एंट्री बहुत गलत थी, एंट्री को कैसे आप अपना सुधार सकते हैं, कैसे आप एक सही एंट्री पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों वो समझाने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम इन करता हूँ चार्ट को। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी ने जैसे ही एक इस लो को तोड़ा और एक नीचे की साइड पे लोअर लो लगाया, उसके बाद आप देखोगे कि बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखते तो आपको और क्लैरिटी मिलती है कि भाई बैंक निफ्टी अटक रहा है, बैंक निफ्टी ने लोअर लो लगा दिया बट अब वो बैंक निफ्टी अटक रहा है। तो दोस्तों डाउ थ्योरी क्या कहती है कि हमेशा अब ये शुरुआत तो हो गई डाउन ट्रेंड की बट हर एक ट्रेंड के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे अलग ट्रेंड चलते हैं, यानी बैंक निफ्टी हो सकता है डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में हो बट वो डाउन ट्रेंड सीधी लाइन में नहीं चलेगा, अप्स एंड डाउन्स करके चलेगा। तो हमें यहाँ से अंदेशा था कि बैंक निफ्टी एक अप स्विंग लगाएगा। अब दोस्तों अप स्विंग का हाई कहाँ पे लगेगा वो भी आपको प्राइस एक्शन बताएगा, जहाँ पे आपको लगे आवर्ली चार्ट पे, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जिस पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी साइडवेज हो रहा है, अटक रहा है, क्योंकि साइडवेज स्टेज आनी ही आनी है, वहाँ पे कहीं पे आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का अटेम्प्ट लेना चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस। और वहाँ से बैंक निफ्टी अगर घूमता है तो इस दफ़ा और एक लोअर लो डेफिनेटली लगाएगा डाउ थ्योरी के हिसाब से, और ये 99% एक्यूरेट थ्योरी है दोस्तों। कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट आ जाए जिसका टेक्निकल एनालिसिस फॉलो ना हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा होना ही होना है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, एक फ्रेश चार्ट मैं खोल लेता हूँ बैंक निफ्टी का यहाँ पे, और देखते हैं किस तरह हमें 1 आवर के चार्ट पे जज कर सकते हैं कि क्या ये जो बैंक निफ्टी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसने एक टॉप लगा दिया कि अभी ये और ऊपर जा सकता है। और इसको साथ ही में बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, क्योंकि दोस्तों डेली और वीकली टाइम फ्रेम तो हो गए इन्वेस्टिंग के लिए, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जनरली हम सजेस्ट करते हैं 1 आवर 3 आवर इस तरह के टाइम फ्रेम, और इंट्राडे के लिए हम सजेस्ट करते हैं 5 मिनट्स 15 मिनट्स इस तरह के टाइम फ्रेम। तो हम चलते हैं अपने आवर्ली चार्ट पे। तो दोस्तों आप देखोगे कि किस तरह से बैंक निफ्टी ने ये एक लो लगाया आवर्ली चार्ट पे, यहाँ पे एक लो लगा बैंक निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का एक हाई लगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी को अगर अप ट्रेंड अपना रिज्यूम करना है, बैंक निफ्टी को और ऊपर जाना है, तो बैंक निफ्टी को इस हाई से ऊपर एक हायर हाई लगाना पड़ेगा, ये हमारा रूल कहता है। हम आवर्ली चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों, आप देखोगे बैंक निफ्टी नीचे आया और बैंक निफ्टी ने सेम लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लिया, यानी साइडवेज की निशानी है, साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम पे, साइडवेज हो गया। आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर गया बट इस हाई को नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे इस हाई को नहीं तोड़ पाया दोस्तों, वहां से वापस बैंक निफ्टी नीचे तक आ गया और बैंक निफ्टी वापस कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया है। अगर इस से भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहो, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इतने टाइम फ्रेम पे, देखते हैं इस टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो आप देखोगे कि दोस्तों बैंक निफ्टी ने एक हाई ये लगाया, फिर बैंक निफ्टी ने एक लो ये लगाया, यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए अटका साइडवेज रहा, फिर बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड लिया। पर दोस्तों आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने जब 3 घंटे ऊपर स्पेंड कर दिया और अटक गया यहाँ पे,
तो ये हमें पता पड़ गया कि एक और बैंक निफ्टी का हाई लग गया है, तो जो ये वाला हाई था इससे ये हाई लोअर हाई है, लोअर हाई। तो दोस्तों रेस्ट अश्योर्ड हम ये श्योरिटी से यहाँ पे शॉर्ट करके कह सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, या बैंक निफ्टी जब नीचे आएगा तो इस लो को ज़रूर तोड़ देगा। तो वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आया 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 और इस लो से लोअर लो लगा दिया। दोस्तों आप देखो कि ये एक लो लगा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, ये ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स यहाँ पे बिता दिए इस जोन के अंदर। अब दोस्तों बैंक निफ्टी क्योंकि लोअर लो लगा चुका है तो रेस्ट अश्योर्ड बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो एक लोअर हाई ही लगाएगा जब तक कि बैंक निफ्टी को अपना ट्रेंड चेंज नहीं करना, यानी इस हाई से नीचे ही लगेगा। तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स वो साइडवेज रहा। दोस्तों टाइम बहुत मिलता है आपको, कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना, पहली कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना। आप देख पा रहे हो कि किस तरह एटलीस्ट 2 to 3 कैंडल्स हर बार ट्रांजिशन फेज के अंदर बन रही है, आपको टाइम मिलता है। दोस्तों जब आपने देखा यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अटक रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, काफ़ी टाइम बिता दिया, तो ये एक और कंफर्मेशन आ गया कि ये भी तीसरा लोअर हाई बन गया। तो दोस्तों रेस्ट एश्योर्ड बैंक निफ्टी ने अब एक लोअर लो और बनाना था जो इस लो से नीचे होगा। तो कई बार क्या होता है आप शॉर्ट करते हैं बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बट अगर आप इस तरह से देखोगे चार्ट को तो आपको क्लियरिटी से मालूम है कि आपको कम से कम इस लो से तो पहले निकलना ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जब अटकता तो यहाँ पे कहीं पर निकलते। सेम चीज़ दोस्तों रिपीट हुई, बैंक निफ्टी नीचे आ गया। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद अभी क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इस टाइम पे मेरे को दो हाई दिखाई दे रहे हैं, एक तो दोस्तों ये वाला और दूसरा मेरे को एक सॉर्ट ऑफ हाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोस्तों बैंक निफ्टी ऊपर गया और इस हाई को तोड़ दिया, चाहे थोड़े से मार्जिन से ही सही, तोड़ दिया इस हाई को, तोड़ दिया। तो दोस्तों रेस्ट एश्योर्ड क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब एक हायर हाई लगा दिया, तो बैंक निफ्टी का जो यहाँ से ट्रांजिशन होगा एक लोअर लो ना लग के एक हायर लो लगेगा। तो देखो कि बैंक निफ्टी नीचे आया और यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक हायर लो लगा दिया है, ये बैंक निफ्टी का एक हायर लो है और बैंक निफ्टी यहाँ पे अटक रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की बट अटक रहा है। दोस्तों अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक पहली दफा, अब ये दोबारा से आप देखोगे कि इस हाई से ये वाला हाई हायर है, इस लो से ये लो हायर है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस हाई को जरूर तोड़ेगा और एक हायर हाई लगाएगा अगर बैंक निफ्टी को अप ट्रेंड के अंदर रहना है। तो अगर आप इस लो के आसपास बाइंग करते हो बैंक निफ्टी को, आपको बाइंग करना है इस लो के आसपास, आप शॉर्टिंग का सोचते हैं, आपको 21,500 के आसपास बाइंग करना है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे बाइंग करते हो, आपको अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट को निकाल देता है आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, ये एक ब्रेकआउट होगा, बैंक निफ्टी यहाँ से फिर एक हायर हाई दोबारा से लगाएगा, फिर नीचे आएगा तो डेफिनेटली इस लो से ऊपर का लो लगाएगा और फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तो इस तरह करेगा। ये हो गया दोस्तों आवर्ली चार्ट पे डिसीजन। अगर बैंक निफ्टी को अपना ट्रेंड वापस आवर्ली चार्ट पे भी नेगेटिव करना है, जो हमने देखा कि अभी पॉजिटिव हो गया पिछले 3 दिन से, तो बैंक निफ्टी को ये जो हाई पिछला लग चुका है इस हाई को नहीं तोड़ना। जैसे अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया, अगर बैंक निफ्टी इसको नहीं तोड़ पाता, इस हाई को नहीं तोड़ पाता, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली फिर नीचे आएगा तो एक लोअर लो और लगा देगा। तो आपका पिछला लो ये है तो इस बार और लोअर लो लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये जो लो लग चुका है इसके नीचे आप टूटते ही शॉर्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना दोस्तों छोटे टारगेट पे, आपको फिर बड़ा टारगेट लेना है, आपको नीचे का टारगेट मिलेगा। अगेन ये जो मूव आएगा नीचे का ये सीधी लाइन में नहीं आएगा, हमेशा जिगजैग से बड़ा आएगा, बट आपको टाइम मिलता है 3 से 4 घंटे, बैंक निफ्टी हमेशा आपने देखा कि साइडवेज रहता है आवर्ली चार्ट पे। अभी आप और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही चीज़ दिखाई देगी। चलिए चलते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप किस तरह से जजमेंट कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर और आप किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते थे, और हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखेंगे और 5 मिनट का भी देखेंगे, दोनों देखते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहले और देखते हैं इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं 5 मिनट्स का करते हैं, कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों आपको एक अच्छा खासा जो स्विंग दिखाई देगा बैंक निफ्टी का वो दे रहा होगा ये वाला बैंक निफ्टी, यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी लंबे समय साइडवेज रहा, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2 बार टॉप टेस्ट किया, नहीं मार पाई, तो ये लग गया एक इंट्राडे हाई, बैंक निफ्टी नीचे आया और बैंक निफ्टी ने आपने देखा कि किस तरह से अटका, यहाँ पे एक लो बना, दूसरा लो बना, तीसरा लो बना, 15 मिनट्स ऑलमोस्ट अटका बैंक निफ्टी। दोस्तों आपने देखा कि ये जो लो था ये एक हायर लो है, तो आपको रेस्ट अश्योर जब बैंक निफ्टी यहाँ से पलट रहा है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हो, रेस्ट अश्योर बैंक निफ्टी अब इस हाई से एक हायर हाई लगाएगा, चाहे इससे सिर्फ 100-150 पॉइंट ऊपर लगे, लगाएगा जरूर। तो आपने देखा किस तरह बैंक निफ्टी ने एक हायर हाई लगा दिया, और उसके बाद बैंक निफ्टी दोस्तों दोबारा जब अटका क्योंकि अगेन एक हायर लो लगाया तो बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। तो आप इस तरह से अच्छे से जजमेंट ले सकते थे किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों देखते हैं क्या हुआ जो बैंक निफ्टी यहाँ से पलटा, तो बैंक निफ्टी ने दोस्तों इस लो को यहाँ पे एक दफा तोड़ दिया,
जैसे ही उसने इसको तोड़ा पिछले लो को, ये बन गया अब एक लोअर लो की निशानी। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी को आपको यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं, आपके शॉर्ट करते आप देखते हैं बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपको लगता है ऊपर चला जाएगा, आपकी ये गलती है, आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना। शॉर्टिंग का बेस्ट पॉइंट इंट्राडे में दोस्तों रहता है जब बैंक निफ्टी ने एक लोअर लो बना दिया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया, क्योंकि तो हमने डिस्कस किया कि सीधी रेंज में तो नीचे आएगा नहीं, हमेशा रिबाउंड करेगा। दोस्तों अब आपको लेट इट रिबाउंड, उसको रिबाउंड करने दीजिए, वो कुछ भी कर ले इस हाई से हायर हाई नहीं बना पाएगा, क्योंकि लोअर लो बन गया तो अब लोअर हाई बनेगा। तो आपको यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग करना चाहिए था, आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो आपको एक अगेन लोअर लो बन गया। अब दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगेन साइडवेज हो गया और अब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक बात है, बट ये क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे आने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी अब यहाँ पे अटक रहा है, देखोगे एक बार दो बार तीन बार चार बार अटक चुका है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं निकाल पाता, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे अब आप शॉर्ट कर सकते हैं, एंड रेस्ट अश्योर्ड बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे और जरूर आएगा। और दोस्तों इस लेवल पे फाइनली टेस्टिंग होगी जहाँ से शुरुआत हुआ था इस ट्रेंड का, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर आपको इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाकर चेक करना पड़ेगा 15 मिनट्स या 1 आवर पे, कि भाई अगला लो पोजिशनल कहाँ पे है, तो बैंक निफ्टी वहाँ तक जाएगा। तो इस तरह दोस्तों डाउ थ्योरी की मदद से आप हायर हाई लोअर लो या फिर लोअर हाई इन सबको देख के पता लगा सकते हैं किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आप एंट्री एग्जिट सही से चुनाव कर सकते हैं, आपको डरने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको मैंने दिखाया किस तरह से ट्रांजिशन होता है, हमेशा आपके मन में जो डर है फियर है मिसिंग आउट वो नहीं होगा, हमेशा कोई भी स्टॉक पलटने से पहले साइडवेज रहेगा, आपको इनफ चांसेस मिलते हैं, 3 4 अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 3 4 कैंडल्स मीन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स आपको मिलते हैं सफिशियंट है इंट्राडे में, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 2 आवर्स 3 आवर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आपको आराम से एनालिसिस करके ठंडे माइंड से कोई भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बगैर इस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों फाइनली एक बार देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक का चार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं इस टाइम पे क्या कर रहा है, और अब आप लोग जो अभी तक सीखे हो उसके बेसिस पे खुद जज कर पाओगे, मैं आपको जो चार्ट दिखाऊंगा कि रिलायंस अब क्या करेगा। तो चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे। इसके अलावा दोस्तों इस थियोरी को यूज करने टाइम आप नॉइस को कैंसिल करने के लिए हिकेनेशी कैंडल्स को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको काफी क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देखोगे कि रिलायंस का मैंने 1 डे का चार्ट खोल रखा है और रिलायंस 1 डे के टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो लगा रहा है, क्लियरली अपना ट्रेंड जो है रिज्यूम कर रहा है। आप देखोगे कि ये लो लगा, इससे हाई लगा, फिर लो लगा हायर, तो यहाँ पे जब हायर लो लग गया तो रेस्ट एश्योर्ड बैंक रिलायंस एक हायर हाई लगाएगा, लग गया इस तरह से चल रहा है। अब दोस्तों अभी आप देखोगे कि ये लगा है एक और लो हायर लो, हायर लो लग गया है। अब दोस्तों आपको रिलायंस की चाल को क्या करना चाहिए था, आपको जैसे दिखाई दिया कि यहाँ पे एक लग गया भाई हायर लो, आपको लॉन्ग करना चाहिए था, आपका मिनिमम टारगेट रहना चाहिए था पिछला हाई, अगर रिलायंस इस लेवल को निकाल देगा तो रेस्ट अश्योर रिलायंस वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा और एक हायर हाई लगाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर यहाँ लॉन्ग किया होता देख के कि भाई रिलायंस 1 आवर के चार्ट पे अटक रहा है, तो आपको ये मूवमेंट मिल गया होता। अब क्योंकि रिलायंस एक सिमिलर लेवल पे अटक रहा है, यानी ये एक हायर हाई नहीं है, इसको हम कहेंगे सिमिलर हाई डबल टॉप। दोस्तों अगर रिलायंस इस लेवल को नहीं निकाल पाता क्योंकि ये डबल टॉप लग जाएगा, तो रेस्ट अश्योर्ड क्योंकि जब रिलायंस यहाँ से पलटेगा, 2 से 3 दिन इसने बिता दिए यहाँ पे इस जोन में, जब ये यहाँ से पलटेगा तो रेस्ट अश्योर्ड ये अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एग्जिट करने की कोई बात नहीं, इस दफा ये एक लोअर लो लगाएगा, चाहे यहाँ पे लगे चाहे दोस्तों वो लगे पिछले लो के आसपास, आपको रेस्ट अश्योर्ड रिलायंस एक लोअर लो लगाएगा। इस तरह आप जज कर सकते हो नेकेड चार्ट पे रॉ एनालिसिस करके, और आप देखोगे कि कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, रिलायंस 7% चढ़ गया तो आपको डरने की बात नहीं है, जब रिलायंस सस्टेन करे पिछले हाई के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि तो इसने काफी ऊपर जाना है दोस्तों, अगर सस्टेन करेगा तो काफी ऊपर जाएगा, हम देख चुके हैं पहले, तो आपको वहां पर इसको टिकने देना है, क्लोजिंग आने देना है, वॉल्यूम्स चेक करने कैसे हैं और फिर अपना डिसीजन लेना है। डाओ ने ही कहा था कि जो मूव्स होते हैं उनके अंदर आपको वॉल्यूम्स चेक करने हैं। दूसरी चीज दोस्तों डाओ ने जो कही थी वो ये कही थी कि कोई भी अगर इंडेक्स है, कोई भी कंट्री है, उसकी मार्केट है, शेयर मार्केट, उसको सस्टेनेबल मूव्स देने हैं, उसको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रिज्यूम करने हैं, तो उस कंट्री के सभी इंडेक्सेस को एक जैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी बहुत नीचे है, निफ्टी मिड कैप की हालत ख़राब है, निफ्टी फार्मा अच्छा कर रहा है और निफ्टी ऑटो बहुत बुरी तरह पिट रहा है, ऐसा नहीं होता। जो मार्केट में एक रैली चलती है, एक बुल फेस चलता है, डाउन ने ऐसा कहा था, आप पढ़ सकते हैं कि उसमें सभी स्टॉक्स एक वो आप कह लो कि भाई वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन होता है, वहां पे सभी स्टॉक्स सभी इंडेक्स सभी जितने भी सेक्टर्स हैं एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्री अच्छा कर रही होती है, लोगों के पास पैसे का फ्लो अच्छा होता है। तो अभी आप देखोगे कि किस तरह से एक
कह लो कि भाई प्रेशर है, पेन है बैंकिंग स्टॉक्स में, ऑटो सेक्टर्स बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है और गिने चुने स्टॉक्स हैं। तो डाउ की ही थ्योरी दोस्तों ये कहती है कि ये जो ट्रेंड है निफ्टी का पूरा ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन इसके अंदर नहीं है, काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन है। तो आपको हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच करनी चाहिए, डाउन ने ऐसा बोला, आपको हमेशा टॉप डाउन अप्रोच करनी चाहिए। यानी टॉप डाउन अप्रोच अगर आप टेक्निकली समझेंगे तो यानी आपको पहले भरे टाइम फ्रेम पे देखना है, यानी आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक या ये जो इंडेक्स है कैसा कर रहा है, फिर आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर आपको 1 आवर पे देखना है, एंड देन आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। जो चीज़ दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे आपका आउटलुक नेगेटिव है कि भाई गिर सकती है, उसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चाहे एक अपस्विंग चल रहा हो आपको उसको इग्नोर करके उसके अपस्विंग आने के बाद उसको शॉर्टिंग के लिए चूज करना चाहिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है वो हमेशा रिज्यूम होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जब मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर गई थी और क्रैश के बाद रिकवर करनी स्टार्ट ही की थी, मैंने इन्फी का एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस का, और मैंने उसमें वीडियो का टाइटल दिया था कि इन्फोसिस मोस्ट बुलिश स्टॉक ऑफ निफ्टी 50। इसके पीछे एक कारण था दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये टॉप डाउन अप्रोच है इसको सिखाने के लिए इसका एग्जांपल खोलूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक फ्रेश चार्ट खोल लेते हैं इसकी जगह, इस चार्ट को छोड़ के, और हम इन्फोसिस के चार्ट से इस चीज़ को समझते हैं, और आप फिर इन्फोसिस के इस एग्जांपल की मदद से खुद इस तरह के स्टॉक्स पता लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स को पता लगाने के लिए कुछ और हायर एडवांस टेक्निक्स होती है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब आपको और डिटेल में जानना है तो आप आने वाले समय में वीडियोस लेके आऊँगा और आप मेरे वेबिनार्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इन्फोसिस के चार्ट से जो चीज़ समझना चाहते थे उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया इस सब का एक परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों इन्फोसिस, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और वन ऑफ द मोस्ट बुलिश स्टॉक है ये निफ्टी 50 का। बट आपको अगर डिसाइड करना, जो भी आपने सीखा है क्या आपको इन्फोसिस में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका भी आंसर अब आप खुद दे पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इन्फोसिस, आप देख पाओगे कि इन्फोसिस किस तरह से, आप देखोगे ऑलमोस्ट जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ही वीकली टाइम फ्रेम पे मैं हूँ, ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर है, ये एक बुलिश पैटर्न के अंदर है, ये हाई से ये हाई लो सब के सब ऊंचे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि भाई ये हाई लगा, फिर लो जो लगा हायर लगा, देन हाई अगेन हायर लगा, देन लो अगेन हायर लगा, देन हाई अगेन हायर लगा, लो अगेन हायर, एंड देन हाई, देन लो हायर, एंड देन दिस इज अनदर हाई। तो इन्फोसिस एक अप ट्रेंड के अंदर दोस्तों है, इसी तरह हम ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, ट्रेंड लाइन का जो बेस था वो यही था कि ट्रेंड लाइन इस काम आती है। आप देखोगे कि किस तरह से इन्फोसिस जो है एक अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली अपने वीकली टॉप के आसपास है, डेली टॉप के आसपास है, और कोई बुराई नहीं है इस कंपनी में। बट हमने जो अभी डिस्कस किया कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ हो सकता है अप ट्रेंड में हो, बट डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो एक डाउन ट्रेंड में हो। हम चलते हैं डेली चार्ट पे, तो आप देखोगे कि हमेशा मैंने आपको ये भी बोला कि साइडवेज स्टेज आते हैं, तो इन्फोसिस ने एक वन साइडर रैली दी, अपने टॉप तक गया ऑलमोस्ट, अब यहाँ पे इन्फोसिस साइडवेज हो गया। तो इसकी मदद से आप खुद जज कर सकते हो, मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दे रहा, यहाँ पे इन्फोसिस साइडवेज है। तो साइडवेज स्टेज जब ये खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी होगी कोई नहीं कह सकता, कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक ये चल सकती है, बट जब भी ये स्टेज खत्म होगी इन्फोसिस से बाहर आएगा, तो इन्फोसिस एक बड़ा मूव देगा। और क्योंकि वीकली चार्ट पे इन्फोसिस अपने टॉप के आसपास है, इन्फोसिस नीचे आएगा, नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन के लोएस्ट पॉइंट तक, कहीं ना कहीं आएगा। दोस्तों लेवल आप खुद निकाल सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना के काफ़ी नीचे का आता है, वहाँ पे आपको एक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक और दिखाऊंगा दोस्तों, जिसके आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ थर्सडे को, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं और इसमें भी एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों वीकली चार्ट है, ये स्टॉक है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। आप देखोगे कि किस तरह ये एक मल्टीबैगर स्टॉक जो एक समय में 500 का होता था, आज 1500 का है, 3 टाइम्स हो चुका है और काफ़ी ऊपर हो गया है, 1700 तक को टेस्ट करके आया है। तो आप देखोगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, और जब तक ये हायर लो बनाता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें आप देखोगे पिछला जो लो था दोस्तों वो है ये वाला, और अभी जो लो लग रहा है कहना कि यहाँ पे ये अपने जो ट्रेंड लाइन है उसके भी आसपास है। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ से अटकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं अटकेगा तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर ये इस तरह के ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा जो कि एक डाउन फॉलिंग चैनल होगा। बट अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली इस हाई से एक हायर हाई लगाएगा। तो आप इस तरह से जजमेंट कर सकते हैं विथ वेरी बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, सिर्फ चार्ट, नेकेड चार्ट, हाई लो देख के, लेकिन आपको अप्रोच रखनी है टॉप डाउन, आपको वीकली चार्ट देखना है, देन डेली देखना है, देन छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, और आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स आने चाहिए। तो आपको प्राइस एक्शन की और बेसिक्स सीखने के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। ये वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए ये चैनल इसी तरह ग्रो करता रहे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए,
और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों और इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उनके वीडियो लेके आऊँगा। और आप प्रोफेशनली एक सीरियसनेस के साथ सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो आप मेरा वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।